Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 31 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 62 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। दो नए डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 605 चल रहा है आंकड़ा। जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में कर्नाटक में बता रही है कि केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, वहीं पर प्रियंक खरगे एक्स मिनिस्टर बता रहे हैं कि बीजेपी लेड कर्नाटक गवर्नमेंट जो परफॉर्म कर रही है, जो क्लेम कर रही है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक कंट्रोल में आ चुका है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पॉजिटिविटी जो रेट है वो 12.5% चल रहा है बेंगलुरु के अंदर। उन्होंने कहा कि इनसे अभी इन्फेक्शन सिटी के साथ साथ टाउन्स और रूरल एरिया से वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद का जो सबूत है कि बेंगलुरु अर्बन में अगर देखें तो केसेस कम है, लेकिन बेंगलुरु रूरल के अंदर 3602, टुमकुर के अंदर 2193 और दक्षिण कन्नड़ा के अंदर 2427, यानी यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्पाइक वापस से बढ़ सकता है, इसे अंदर दबाने की कोशिश ना करें। इस तरह का बयान आ रहा है प्रियंक खरगे की तरफ से। गुलबर्गा सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने आज एक अवेयरनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज की, जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट खास करके ट्रैफिक पुलिस ने रोड पर आकर परेड किया और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की। अवेयरनेस यही है कि आपको एक्सीडेंट से प्रिवेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने सुरक्षा का लक्ष्य में रखना है, जैसे हेलमेट हो और कोविड 19 की बात रहे तो मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं उस परेड के शॉर्ट हाइलाइट्स। गुलबर्गा के लिए एक प्राउड वाली बात है कि अलकाउन टेक्नोलॉजीज ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई हज ऐप। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके अंदर आप हज के अंदर जितने भी अरकान हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताए हैं। आइए देखते हैं उस वीडियो के डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकाउन टेक्नोलॉजी ने आज़मीन हज के लिए खसूसी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हालात हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए आपको कहीं वर्कशॉप या फिर किसी इज्तिमाई गाह जाने की ज़रूरत नहीं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप घर बैठे सारे मनासिक सीख सकते हैं। यही नहीं बल्कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप तवाफ़ और सही में भी भरपूर मदद ले सकते हैं, जहां पर ये आपको हज और सही के चक्कर गिनने में और उसको लिस्ट बनाकर सेव करने में आपको सपोर्ट करेगा। मक्का और मदीना के ज़ियारत प्लेसेस को भी विद डिटेल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन के साथ रखा गया है विद रूट मैप, जहां पर आप वहां किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप तमाम ज़ियारत प्लेसेस को जान सकते हैं और वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। हज सेक्शन में हमने हज के तारुफ रखा है, हज के अकसाम रखे हैं और हज से रिलेटेड सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं, जो आसानी से पढ़ ले सकते हैं, किताबें मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वो वीडियो सेक्शन में सारे मालूमात हासिल कर सकते हैं। गुलबर्गा AIMIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था नाते मुशायरा। जी हाँ, ये स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था मिर्च मसाला रेस्टोरेंट के फैमिली हॉल में। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत भी की और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। उनके मदा है अर्श वाले सब लाए, उनके मदा है अर्श वाले सब पढ़ो सुना पढ़ो और सुनो सुना सुनो। कभी सारी मोहम्मद बड़ा इश्क था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी चाहत थी और बहुत ही ज्यादा चाहते थे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसा कि जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर हमने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से पहली मर्तबा हमने नात और मुशायरे का इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान ये रहा कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा रहा। और मैं उन तमाम जो नाथां और जितने शोरा हजरात आए थे मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट को ने जो बैकिंग की है प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून को चलते हुए, उस पर दुनिया भर में उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ रहा है और कई सारे कंट्रीज के अंदर फ्रांस को बॉयकॉट करना और फ्रांस के हर प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। इस चलते हुए केबन दरगाह के बिल्कुल सामने एक प्रोटेस्ट हुई आकिब अल हुसैनी साहब के नेतृत्व के अंदर, ये प्रोटेस्ट हुई जहाँ पर नौजवानों ने फ्रांस के प्रेसिडेंट का पुतला जलाया। आइए देखते हैं। चीज बर्दाश्त कर सकता है पर सरकार की शान में, मेरे आखा की शान में, मदीने के ताजदार की शान में, रहमतुल्लाह अलमीन की शान में अदना गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रांस की हुकूमत को शहर गुलबर्गा से, सरकार बंदा नवाज की सरजमीन से हमें वार्निंग दे रहे हैं, अगर फ्रांस अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा, अगर गुस्ताखाना कॉम्पिटिशन बंद नहीं करेगा, गुस्ताखिया बंद नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे, फ्रांस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरा ये गवर्नमेंट से, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट से गुजारिश है कि ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को इंडिया के तरफ से भी एक जवाब जाए। जैसे हर मुल्क अपने अपने तरफ से एक जवाब दे रहा है, मैं भी अब हमारे चाहता हूँ कि हमारे मुल्क से एक फ्रांस के तरफ एक जवाब जाए। और तमाम मुसलमानों को ये भी कहना चाहूँगा कि फ्रांस की हर चीज़ को बॉयकॉट कर दें। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो इस्तेमाल कर रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी और के रिलीजन पर ठेस पहुँचाओ या किसी और के रिलीजन पर तोहमत लगाओ या कोई गलत बात करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मामला है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूँ, ना कि किसी के मजहब पे उंगली उठाऊं या किसी के मजहब पे बोलूं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार, यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।